देपालपुर विधानसभा के गोवर्धन गौशाला में गुड़ी पड़वा का पर्व एक अलग अंदाज में मनाया गया, जहां कांग्रेस विधायक विशाल पटेल ने अपने सेवाभावी अंदाज के अनुरूप गौशाला में 56 भोग लगाकर गौ माता के लिए 10 ट्रॉली भूसा दान करने का संकल्प लिया। सियासत में अपने सेवाभावी अंदाज के लिए अलग पहचान रखने वाले विधायक विशाल पटेल ने नववर्ष पर सेवा की अनूठी मिसाल पेश की, जहां नववर्ष गुड़ी पड़वा पर विधायक विशाल पटेल ने गौशाला में 56 भोग लगाने के साथ ही आसपास की सभी गौशाला में 10 ट्रॉली भूसा दान करने का संकल्प लिया। हिंदू नववर्ष है और गुड़ी पड़वा से शुरुआत होती है। हम लोगों ने सोचा, संपूर्ण टीम ने और पूरे परिवार ने, कांग्रेस परिवार ने, कि शुरुआत क्यों ना गौ माता की सेवा से की जाए, ताकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार हम पिछले 2 वर्षों से देख रहे हैं कि गौशालाओं के अंदर गौ माताओं की सेवा ना होते हुए कहीं ना कहीं उनकी हत्याएं हो रही है। हम लगातार कहीं ना कहीं घूमते आए हैं, देखते भी आए हैं, जितना हम लोगों से बनता है प्रयास भी करते हैं कि उन सबकी हम सब सेवा भी कर पाएँ, लेकिन कहीं ना कहीं गौशालाएँ ऐसी थी, वहाँ तकलीफ भी थी। यहाँ गोवर्धन गौशाला की जो व्यवस्थाएँ देखी हम लोगों ने, गुरुदेव की जो कृपा है और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से यहाँ गौ माताएँ अपने आप में इतनी सुरक्षित महसूस करती हैं कि बाकी अनेक ऐसी गौशालाएँ दूसरी जगह हमने जो देखी है, जो सरकार का पैसा भी लेती है, अनुदान भी लेती है, और कहीं ना कहीं भूखे मर रही है। आज हम लोगों ने शुरुआत करी है गोवर्धन गौशाला से, और संपूर्ण देपालपुर विधानसभा के अंदर आज मैंने सभी गौशालाओं से संपर्क करा और सभी को आज ये कहा कि स्थिति परिस्थिति देखते हुए कहीं ना कहीं आते हुए समय में गौशालाओं के अंदर आदमी जब गौशाला बना लेता है, लेकिन खाने पीने की समस्या आती है। इस दौरान विधायक विशाल पटेल के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात, MP न्यूज के साथ।